हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं फटाफट से पापू के लिए देसी घी कैसे बनाती हूँ और वो भी बिना किसी झंझट के। जी हाँ, चलिए फिर मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। और हाँ, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 8 से 10 दिन की इकट्ठी की हुई मलाई है। और अगर आपके पास फ्रिज है तो आप और ज़्यादा भी इकट्ठी कर सकते हैं। और अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप जो है मेरी कुछ टिप फॉलो कीजिए, इससे आपकी भी मलाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। सबसे पहला काम, इसको आप ज़्यादातर जाली से ही ढक के रखें। और दूसरा काम, जब भी आप इसमें मलाई निकालें तो चम्मच से ज़रूर चला दें, एक दूसरे में मिक्स कर दें। और तीसरा काम, जब भी मलाई थोड़ी सी भी ख़राब हो तो उतनी ही निकाल के हटा दें। उसके बाद मैं जो है इसमें इसको कढ़ाई में डालूंगी, और जो कटोरी में मलाई लगी थी मैंने उसको भी पोंछ दिया था। उसके बाद इसको तेज़ गैस पर लगातार चलाएंगे जब तक कि इसमें खोल ना आ जाए। और मैं आपको यहाँ पे जो है एक राय दूंगी कि आप इस तरीके की चम्मच से ही चलाएं। इससे क्या होता है कि मलाई जो है कढ़ाई में बिल्कुल भी लगती नहीं है। और देखिए, खोल आने के बाद में हम जो है गैस को बिल्कुल ही स्लो कर देंगे। और जब ये गाढ़ी होने लगे, गाढ़ी होने के बाद में हम इसको बिल्कुल स्लो गैस पे चलाएंगे लगातार। ये देखिए, आप देख सकते हैं अपने बिल्कुल हल्का हल्का सा घी आने लगा है। उसके बाद में इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक ये मलाई जो है बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। देखिए, धीमी गैस पे कंटिन्यू चलाने के बाद में कंटिन्यू चलाते चलाते ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरी मलाई बिल्कुल ब्राउन हो गई थी। उसके बाद मैंने जो है गैस को बंद कर दिया था। बंद करने के बाद में हम जो है एक छन्नी लेंगे, छन्नी में हम इसको छानेंगे चमचे से, ये देखिए। और छानने के बाद में हम जो है जो इसमें ये जो मलाई होती है उसको हम चम्मच से दबा दबा के उसमें से भी घी निकाल लेंगे। आप ये देख सकते हैं मेरा घी बिल्कुल रेडी है। और मैं अब आपको इसको ठंडा करके भी दिखाती हूँ, ये देखिए। और अगर आपको मेरा ये घी बनाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।